पूरे पाकिस्तान में तमाम इन्वर्टर से टॉप क्लास का सोलर इन्वर्टर जो कि नाइट्रोल सीरीज का 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट और 12 किलोवाट, इन तमाम इन्वर्टर के थोड़े से फीचर बताएंगे और इनकी मौजूदा प्राइस आपको मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अनीप चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। अगर आप लोग अपने घर में 3 किलोवाट से लेके 12 किलोवाट तक सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के अंदर हम आपको इनवरेक्स के नाइट्रोक सीरीज का 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट और 12 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के बारे में बताएंगे और मौजूदा जुलाई के अंदर जो इसकी प्राइस चल रही है उसके बारे में भी मुकम्मल बताएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेती हैं नाइट्रोक्स का 3 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर जो है अगर आप लोग अपने घर में लगाते हैं तो इस इन्वर्टर के ऊपर आप लोग क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। इस इन्वर्टर के ऊपर आप लोग अपने घर के एक इन्वर्टर एसी चला सकते हैं, चाहे आप लोगों के घर में 1 टन का है या 1.5 टन का है, आप लोग एक इन्वर्टर एसी चला सकते हैं। इसके अलावा कुछ पंखे, लाइटें अगर आप लोग मैनेज करके चलाते हैं तो एसी वगैरह बंद करके आप अपने घर का वाटर पंप, तकरीबन छोटे घर के लिए ये 3 किलोवाट का सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा अगर इस इन्वर्टर की प्राइस और दीकर जो भी इसके अंदर फीचर हैं वो देखे जाएं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं, ये इन्वर्टर जो है ये 24 वोल्ट वाला है, यानी कि इसके ऊपर आप 2 अदद जो है बैटरी लगा सकते हैं, यानी कि 12 वोल्ट वाली 2 बैटरी इसके साथ अटैच करेंगे तो ये सिस्टम चलेगा। ये हाइब्रिड सिस्टम है। आज की वीडियो के अंदर जितने भी इन्वर्टर आपको बताए जाएंगे ये सारे के सारे हाइब्रिड हैं जी। अगर बात की जाए ये IP65 के साथ आता है, ये टच स्क्रीन है इसके अंदर, यानी कि आप लोगों ने अगर आप लोगों ने कोई भी फीचर चेंज करना है या देखना है तो आप लोगों को इसकी जो स्क्रीन मिलेगी ये टच स्क्रीन के साथ आता है जी। अगर देखा जाए इसके अंदर कंट्रोलर कौन सा है तो इसके अंदर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है। इसके अलावा आप लोग इसके साथ 4000 वाट तक सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके साथ अगर देखा जाए कौन सा सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं, आप लोग 600 वाट तक किसी भी कंपनी का सोलर पैनल इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। 140 एम्पीयर का इसके अंदर सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है जी। अगर बात की जाए तो आप लोग इस इन्वर्टर को अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, कहीं पर भी बैठे हो तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के घर में इस टाइम सोलर से जनरेशन कितनी हो रही है और आपके घर में यूजेज कितनी हो रही है, तो ये सारी डिटेल आप लोग अपने मोबाइल पे बैठ के देख सकते हैं। अगर इसकी वारंटी की बात करें तो 5 साल की वारंटी के साथ ये आता है जी। अभी बात कर लेते हैं जुलाई के अंदर इस इन्वर्टर की प्राइस आपको क्या देखने को मिलेगी, तो इस इन्वर्टर 3 किलोवाट के इन्वर्टर की जो प्राइस आपको मिलेगी ये 2,45,000 रुपये की मिलेगी। आपको पता है आपको जो IP21 के अंदर जो सोलर इन्वर्टर 3 किलोवाट का मिलता है वो इन्वर्टर आपको 75,000 रुपये से लेके 1,15,20,30,000 रुपये के अंदर मिल जाता है। तो ये इन्वर्टर आपको मिलेगा नाइट्रोक सीरीज के अंदर 2,45,000 रुपये के अंदर मार्केट से आपको देखने को मिलेगा। अभी बात कर लेते हैं नाइट्रोक्स का 6 किलोवाट का ये जो इन्वर्टर है इसके कुछ फीचर आपको बताए जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कि आप लोग अगर ये 6 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो आप लोग अपने घर में कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं। इस 6 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर आप लोग अपने घर के 2 इन्वर्टर एसी चला सकते हैं। इसके अलावा कुछ पंखे, लाइटें, आयरन, इसके अलावा वॉशिंग मशीन, घर में जितने भी छोटी छोटी अप्लाइंसेज है वो आप लोग इस सिस्टम के ऊपर डाल के चला सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने इस 6 किलोवाट के अंदर रहते हुए अपने घर का लोड मैनेज करके आप लोग अपने घर का सारा लोड इस सिस्टम के ऊपर डाल के चला सकते हैं जी। अभी इसके अगर कुछ फीचर देखे जाएँ तो ये IP65 वाला इन्वर्टर है, तो देखा जाए तो ये 48 वोल्ट वाला सिस्टम है, यानी कि इस सिस्टम के साथ आप लोगों को 12 वोल्ट की 4 अदद बैटरी सिस्टम के साथ लगानी होगी। जैसा कि आप टार ट्यूबलर लगा सकते हैं, थीमोर लगा सकते हैं, अगर कोई भी बड़ी बैटरी लगाते हैं तो आप लोग एक बैटरी भी लगा सकते हैं। ये 7800 वाट डुअल आउटपुट के साथ आता है। अगर देखा जाए तो 135 एम्पीयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर इसमें मौजूद होता है जी। अगर बात कही जाए कि जुलाई के अंदर इस 6 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की प्राइस क्या है तो ये आपको मिलेगा 3,55,000 रुपये का आपको मार्केट से मिलेगा जी। अभी बात कर लेते हैं नाइट्रोक्स का 8 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर पर, तो 8 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के फीचर देखने से पहले मैं आपको ये बताता जाऊं, अगर आप लोग 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आप लोग अपने घर में कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं।
तो आप लोग अपने घर में 3 इन्वर्टर एसी सिस्टम के ऊपर डाल के चला सकते हैं। इसके अलावा कुछ पंखे, लाइटें, फ्रिज, इसके अलावा आयरन, घर की जितने भी अप्लायंसेस है आप लोग मैनेज करके इस सिस्टम के ऊपर डाल के चला सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग अपने घर में मैनेज करके सोलर सिस्टम को चलाते हैं, चाहे आप लोगों का छोटा सोलर सिस्टम है या बड़ा सोलर सिस्टम है, तो आप लोगों का बिजली का बिल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ये जितने भी इन्वर्टर है, ये सारे के सारे इन्वर्टर 3 किलोवाट से ऊपर जितने भी इन्वर्टर है, 5 किलोवाट से ऊपर जितने भी इन्वर्टर है, ये सारे के सारे इन्वर्टर आप लोग नेट मीटरिंग के थ्रू अपना बिजली का जो एक्स्ट्रा यूनिट होंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा जनरेशन होगी, वो आप लोग वापडा को या आप लोगों के एरिया के अंदर जो भी आपको सप्लायर है जो कि बिजली की फराहम कर रहे हैं, आप लोग उनको फरोख्त कर सकते हैं। जी अभी बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर पर। तो ये 48 वोल्ट वाला सिस्टम है, यानी कि आप लोग इस सिस्टम के ऊपर भी 4 अदद बैटरी लगा सकते हैं, जो कि 12 वोल्ट वाली 4 बैटरी आप इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। अगर आप लोग लिथियम और बैटरी लगाते हैं जो कि 48 वोल्ट वाली है, तो आप लोग इस सिस्टम के साथ 1 बैटरी भी इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। 1400 वाट और डुअल MPPT के साथ ये आता है। जी अगर देखा जाए 190 एम्पीयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर इस सिस्टम के अंदर मौजूद है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जी अगर देखा जाए इसकी आउटपुट को, तो ये सिस्टम जो है डुअल आउटपुट के साथ आता है। आप लोग अपने हैवी लोड और स्मॉल लोड को मैनेज करके चला सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं जुलाई 2023 के अंदर इस 8 किलोवाट के नाइट्रोक सीरीज का, जो 8 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, इसकी प्राइस क्या होने वाली है। 8 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की जुलाई के अंदर जो आपको प्राइस मिलेगी, ये आपको मिलेगी 4,74,000 रुपया। यानी कि 4,74,000 रुपए के अंदर आपको 8 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर मिलने वाला है। अभी लास्ट पे बात कर लेते हैं नाइट्रोक्स का, जो 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, लेकिन ये 3 फेज के अंदर आता है। अगर ये देखा जाए कि इस इन्वर्टर के ऊपर आप लोग अपने घर की कौन सी चीज़ें चला सकते हैं, तो इस इन्वर्टर के ऊपर आप लोग अपने घर के 5 इन्वर्टर AC चला सकते हैं। इसके अलावा घर में कुछ भी जो भी अप्लायंसेज हैं, जैसा कि आपको पता है घर के अंदर लाइटें हैं, पंखे हैं, वॉशिंग मशीन है, आयरन है, दीगर जितनी भी अप्लायंसेज हैं, आप लोग 12 किलोवाट के अंदर मैनेज करके आप लोग लोड इस सिस्टम के ऊपर डाल के चला सकते हैं। देखा जाए ये इन्वर्टर भी 48 वोल्ट वाला इन्वर्टर है, यानी कि अगर आप लोग इस सिस्टम के साथ अपनी बैटरी अटैच करते हैं, तो 12 वोल्ट वाली 4 बैटरी और 48 वोल्ट वाली 1 बैटरी इस सिस्टम के साथ लगा के चला सकते हैं। अगर देखा जाए ये डुअल MPPT और डुअल आउटपुट के साथ आता है, 3 फेज और IP65 वाला इन्वर्टर है, 15,600 वाट और डुअल MPPT के साथ ये आता है। जी अगर देखा जाए सोलर चार्ज कंट्रोलर इसमें कौन सा मौजूद है, तो 240 एम्पीयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर इसमें मौजूद है। जुलाई 2023 के अंदर अगर इस इन्वर्टर की प्राइस देखी जाए, तो ये इन्वर्टर आपको मिलेगा 9,05,000 रुपया। यानी कि 12 किलोवाट का ये इन्वर्टर आपको मिलेगा जुलाई के अंदर 9,05,000 रुपए का। वीडियो के अंदर मैंने आपको नाइट्रोक्स के ये 4 बड़े मॉडल के बारे में बताया है, और इसके मौजूदा जो रेट चल रहे थे उसके बारे में भी मैंने आपको आगाही दी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।